हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के एडिशन के क्वेश्चंस अपलोड किए थे। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन वन, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए, 178 का होल स्क्वायर इंटू 3245 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 7। देखिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको 178 सिर्फ सिंगल डिजिट उठानी है, 178 स्क्वायर नहीं करना है इसका, और डिवाइड करना है आपको 7 से। 7 से डिवाइड करके आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है जो आपको नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है। देखिए, 7 2 14, 3 8 उतारा आपने, 7 5 35, रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 3। आप 3 को यहाँ पुट कीजिए, इसका भी क्या है स्क्वायर। आप 3 2 4 5, सिर्फ एक नंबर लेंगे 3 2 4 5, स्क्वायर नहीं लेंगे इसका, डिवाइड करेंगे 7 से। 7 4 28, 4 बचा आपने उतारा 4। 7 6 42, 2 नेक्स्ट नंबर 5। 7 3 21, आपका रिमाइंडर बचा 4। आप यहाँ पुट करेंगे 4 का क्या स्क्वायर, डिवाइड बाय 7। देखिए, शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड बाय 7। अब ये 9, अब 9 को भी किससे डिवाइड कीजिए, 7 से। अलग अलग डिजिट जब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं, अब डबल डिजिट है यहाँ, जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं बन जाती। 7 को 9 से, 7 बन जा 7, रिमाइंडर आपका क्या बचा, 2। 2 को आप नेक्स्ट स्टेप में पुट कीजिए। अब क्या है 16, 16 को आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 2 14, रिमाइंडर क्या बचा आपको, सिर्फ आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना, रिमाइंडर एंड में क्या बचेगा, 2 2, आप यहाँ लिखिए, डिवाइड बाय 7। 2 2 4, 4 upon 7। अब एक सिंगल नंबर बन गया। अब आपको मैंने पार्ट 1 में एक थ्योरम बताई थी कि न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो देन रिमाइंडर इज न्यूमिनेटर, तो वही यहाँ थ्योरम लगेगी। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, न्यूमिनेटर। अंश और हर, अगर अंश स्मॉल होता है, छोटा होता है किससे, हर से, तो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो अंश ही आता है। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थ्योरम को ध्यान रखना है। अब देखिए, 4 upon 7, 4 न्यूमिनेटर है एंड 7 डिनोमिनेटर है, 4 अंश है एंड 7 हर है। अंश छोटा है हर से, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो थ्योरम अप्लाई हो गई, तो न्यूमिनेटर ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए, 1 7 7 7 9 डिवाइड बाय 9, इसको आपको रिमाइंडर निकालना है। आपको डिविजिबिलिटी बाय 9 का एक शॉर्टकट होता है, आपको इसे सॉल्व नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, क्योंकि डिवाइड करोगे तो लेंथी हो जाएगा। आप एक शॉर्टकट लगाइए, आप पूरे को ऐड कर दीजिए, 1 7 7 7 9 1 upon 9। जब डिविजिबिलिटी किससे होती है, 9 से, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप ऊपर वाले पार्ट को, सबको, सिंगल सिंगल नंबर को ऐड कर दीजिए, 1 7 7 7 9 1, सबको ऐड करके आएगा 39, डिवाइड बाय 9। अब देखो, ऊपर भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, हमें तब तक सॉल्व करना है तब तक कि सिंगल डिजिट ना बन जाए। अब देखिए, 3 9 ऐड कीजिए, 3 9 12 upon 9, अभी भी 2 डिजिट है, तो 1 2 upon 9, 2 1 3 upon 9, देखिए बन गई सिंगल डिजिट। अब वही थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 3 upon 9। अंश छोटा है हर से, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3।
जब अंश छोटा होता है हर से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, अंश ही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।